हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई न्यू वीडियो। मैंने एक वीडियो बनाया था प्रीवियसली यूज़र अकाउंट्स के बारे में कि कितने टाइप के यूज़र अकाउंट्स होते हैं अपने लैपटॉप में और उनका क्या प्रिविलेजेस रहता है, मतलब अलग अलग अकाउंट जो होते हैं उनका क्या सेटिंग्स रहता है और अलग अलग अकाउंट्स में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में पूरा मैंने एक वीडियो एक्सप्लेन किया था। और किस तरह से आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर नया यूज़र जो है क्रिएट कर सकते हैं और इसका क्या इस्तेमाल है, मैं आपको इस वीडियो में भी बता देता हूँ कि इसका इस्तेमाल क्या है। एग्जाम्पल, अपने घर में एक कंप्यूटर है या एक लैपटॉप है और वो एक ही लैपटॉप या एक ही डेस्कटॉप जो है तीन चार यूजर्स यूज़ कर रहे हैं, आपका भाई हो या बहन हो, कोई भी उस लैपटॉप को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो टाइम पे आप एक ही यूज़र में लॉगिन हो जाते हो और सब लोग जो है एक ही यूज़र में काम करते हो, एक ही जगह पे डाउनलोड पूरा वर्क करते हो और पूरा डाटा जो है मिक्स हो जाता है। उससे बचने के लिए आप अलग अलग से अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं और अलग अलग अकाउंट्स में जो है आप लॉगिन होकर उस अकाउंट्स में अपना जो डाटा है या आपका जो भी काम है आप उस अकाउंट्स में कर सकते हैं। जो मेरा यूज़र अकाउंट का जो वीडियो है उसमें मैंने सिखाया कि किस तरह से जो है आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, उसमें मैंने सिखाया है। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा आप एक स्टैंडर्ड यूजर होने के बाद किस तरह से आप एडमिनिस्ट्रेटर के जैसा काम कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है उसको कुछ भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने लैपटॉप में कुछ भी कर सकता है, राइट। अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटर के जैसे आपको राइट्स चाहिए अपने लैपटॉप में तो किस तरह से लेंगे, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और हम प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आपको ये वीडियो जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन मे बी हो रहा होगा तो प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आई बटन में आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा या आपको डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगा, उधर से मेरा वीडियो पहले जो पार्ट वन का जो वीडियो है वो आप देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो डेफिनेटली आपको पूरा वीडियो जो है समझ में आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम लैपटॉप के स्क्रीन की तरफ, उधर मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे तीन अकाउंट्स है, एक एडमिनिस्ट्रेटर है, एक यूज़र है और एक जो है साक्षी सिस्टर। जो मेरा साक्षी सिस्टर जो एक अकाउंट मैंने क्रिएट किया है उसको कुछ भी परमिशन नहीं है, वो कुछ भी सेटिंग चेंज नहीं कर सकती और जो एप्लीकेशन से उसको अनइंस्टॉल नहीं कर सकती। अभी इसको कुछ भी परमिशन नहीं है, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। एक बार मैं इस अकाउंट पर लॉग इन हो जाता हूँ, वन सेकेंड, ओके अभी मैं हूँ फिलहाल साक्षी अकाउंट में, इसका कुछ भी परमिशन नहीं है, ये कुछ भी अनइंस्टॉल नहीं कर सकती। यहाँ से मैं आपको लाइव डेमो दिखा देता हूँ, विंडोज आर ऐप विज डॉट सी पी एल, कोई भी एप्लीकेशन में अनइंस्टॉल करने की कोशिश करता हूँ, कंटिन्यू, आपको दिख रहा है यहाँ पे परमिशन पूछ रहा है और यहाँ पे पासवर्ड जो पूछ रहा है। जब तक आपको एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड नहीं पता रहेगा आप यहां से जो है कुछ भी अनइंस्टॉल नहीं कर सकते और कुछ भी इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो किस तरह से आप परमिशन ले सकते हैं आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको परमिशन चाहिए तो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट जो जिसने बनाया है उसके पास रिक्वेस्ट करना होगा कि आप मुझे मेम्बर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बना दो। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से जो है एडमिनिस्ट्रेटर से मेम्बर होना है। अभी फ़िलहाल मैं विंडोज एल दबा के लॉक कर देता हूँ इस लैपटॉप को और एडमिनिस्ट्रेटर में लॉगिन हो जाता हूँ। परमिशन देने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटर में ही लॉगिन होना होगा। अभी फ़िलहाल मैं हूँ एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, राइट। यहाँ पे आपको जाना होगा दिस पीसी के ऊपर, राइट क्लिक, मैनेज, यहाँ पे आपको जाना होगा लोकल यूजर्स इन ग्रुप्स यूजर्स, इधर आपको दिख रहा है साक्षी अकाउंट है, इसको अभी हम मेंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बनाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करना होगा और जाना होगा प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट मेंबर ऑफ ऐड, यहाँ पे आपको ऐड पे जाना है और एडवांस के ऊपर क्लिक करना होगा, फाइंड नाउ, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा एडमिनिस्ट्रेटर्स और ओके, और एक बार ओके, यहाँ पे आप एडमिनिस्ट्रेटर आ चुका है, अप्लाई और ओके। अब जो है साक्षी अकाउंट जो है एडमिनिस्ट्रेटर का मेंबर बन चुका है।
अब साक्षी अकाउंट से आप कुछ भी सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, कोई भी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल और इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप पूरी सेटिंग करेंगे मेंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर करने के बाद, आपको अपना लैपटॉप जो है एक बार रीस्टार्ट करना होगा। हम इस लैपटॉप को एक बार रीस्टार्ट करेंगे, Alt F4 और एंटर। हमारा लैपटॉप जो है फिलहाल रीस्टार्ट हो रहा है। हमारा लैपटॉप जो है रीस्टार्ट होके ऑन हो चुका है। मैं यहाँ पे लॉगिन होके आपको दिखा देता हूँ। ये रहा साक्षी सिस्टर अकाउंट। अब हम ट्राई करेंगे कोई भी एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करने के लिए। अब आप देख सकते हैं ये कोई भी परमिशन नहीं पूछ रहा है। अभी मैं यस दूँ तो ये अनइंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। इधर आप देख सकते हैं, यस पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए, आर यू श्योर यू वांट टू कम्प्लीटली रिमूव सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर रिमूव करने के लिए परमिशन पूछ रहा है। मैं इसको नो कर देता हूँ क्योंकि मैं उस सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना नहीं चाहता। इस तरह से आप मेंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं। एक बार मेंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर होने के बाद लैपटॉप में या डेस्कटॉप में आप कुछ भी सेटिंग्स चेंज कर सकते हो और कुछ भी एप्लीकेशन इंस्टॉल अनइंस्टॉल पूरा आप कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और डेफिनेटली आप डायरेक्टली ये वीडियो देखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा। प्लीज़ मैं आपको और एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, उस वीडियो को पहले देखिए जो मेरा Part 1 वीडियो है, उसके बाद आपको ये वीडियो जो है समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।